भाई मिनी कूपर है, बंदे ने खींच ली भाई। देखते हैं सुबह मैंने यहाँ पे क्या क्या करवाया है वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये सामने कुछ शायद दिख रहा होना चाहिए, HP 4। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ मोटो ब्लॉगिंग। मैं जा रहा हूँ एक राइड पे, तो आज मैं मेनली अकेले राइड करूंगा और मेरा बाइक का थोड़ा बहुत काम रहता है, तो मैं थोड़े बहुत स्टिकर्स वगैरह ऐड करने थे, आज उसको ऐड करवाएंगे। सो यार, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देख लिया कि हमारा जो GPS है वो एकदम एक्यूरेट नहीं दिखाता, जहाँ पे GPS ठीक है और जो हमारा बाइक का मीटर है वो गलत है। बाकी यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा जम्मू, जो अपना सिद्धर है ना, वहाँ पर जाके एक मैंने राइड करनी है। तो जल्दी मेरा प्लान बन रहा है, शायद आपको नेक्स्ट ब्लॉग उसी पर मिले। तो वहाँ पर हम जाएंगे जो सिद्धरा के जो मेन कर्व्स है ना उस पर लीन करेंगे, एंड वहाँ जाके मैं अपना मेन जो टॉप एंड है वो चेक करूँगा, वो भी हम GPS लगा के ही करेंगे। यहाँ पे जो था इतना अच्छा स्ट्रेच नहीं था, तो मेरी बाइक अराउंड 135 तक ही गई थी, बट वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं 150 प्लस उसको आराम से ले जाऊँगा। बाकी लेट्स सी जो होगा आपको मिल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो काफ़ी तगड़े तगड़े व्लॉग्स आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो। बाकी मैंने 2-3 अभी कंपेरिजन वीडियो सोची हैं, जैसे डोमिनार और जो अपना 390 है उसके साथ आएगी, जो अपना RR 310 है उसके साथ, N390 और डोमिनार जो भी होगा इनके साथ अल्टरनेट कर लेंगे। तो काफ़ी तगड़े तगड़े कंटेंट आने वाला, तो यहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अब निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं अपने सेटअप पे। सो भाई अभी हम आ चुके हैं अपनी वैनम पे, एंड आज काफ़ी टाइम बाद एक छोटी सी इवनिंग राइड पे निकला हूँ। सो देखते हैं कैसी रहती है आज की राइड। फिलहाल तो टाइम 3:30 हो चुके हैं, एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि एक अच्छी सी राइड हो जाए, देन मैं फटाफट से घर निकल जाऊं। ओके, एंड लास्ट जो आपने देखा कि मेरी डिलीवरी बॉय के साथ जो एक रेस हो चुकी थी भाई, वो बंदा इतना गंदा चल रहा था ना यार, मीन्स कि एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मेरे को डर था कि अब ये गिरेगा, लेकिन फिर भी बंदे का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंट्रोल था भाई बाइक पे, ख़तरनाक राइडर था वो। वही ना, स्किल्स मैटर करती हैं यार, बाइक आपके पास कोई भी हो ना, अगर आप स्ट्रीट में हो फिर तो स्किल्स मैटर करेंगी। ये देखो यही बंदा था वो। ओ हो, पर अगर मैं आज सेम चीज़ करूँगा तो भाई सेम हो जाएगा वापस से, तो एक ही चीज़ को बार बार डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वही बंदा है सेम। हाँ, बाइक नंबर देख लो, बहुत गंदा चलता है भाई ये, बहुत ज़्यादा गंदा। बाकी यार हमने जो GPS वाला ट्राई करा था वो भी मुझे एक चीज़ दिख गई वहाँ से कि GPS जो है ना वो थोड़ी बहुत स्पीड कम दिखाता है, जितनी हमारी बाइक दिखाती है ना उससे थोड़ा बहुत कम दिखाता है GPS। अभी मैं जा रहा हूँ अगेन GMRs के पास, तो सोचा है कि वहाँ पर जाके थोड़े बहुत जो मेरे स्टिकर्स रहते हैं ना उनको लगवा लूँ। भाई अभी यहाँ पे मेरा एक नाइट का लोगो जो है, गोट का लोगो, वो प्रिंट हो रहा है, तो उसको मैं वाइट कलर में प्रिंट करवा रहा हूँ, क्योंकि वाइट कलर का वहाँ पे अपनी बाइक के लगाना है, तो वो रही अपनी बाइक, तो इसको ये प्रिंट करवाने के बाद मिलते हैं आपसे। सुबह मैंने यहाँ पे क्या क्या करवाया है वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये सामने कुछ शायद दिख रहा होना चाहिए, HP 4 एंड नीचे रेस ये स्टिकर लगवाया है, एंड सेम मैंने उस साइड भी लगवाना है। सो यार, जो मेरी दूसरी साइड है ना वहाँ पे मैं खुद घर जाके स्टिकर लगवा लूँगा, वो मैंने इसे प्रिंट करवा कर रख लिया है। सो निकलते हैं यहाँ से यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं यहाँ पर आके ये काम करवाऊँगा, बट एकदम से ऐसे मन बन गया, सारा तो नहीं हुआ, मेरे को छोटा सा और करवाना था लेकिन वो हो नहीं पाया, अभी इनके पास टाइम नहीं है, काफ़ी बिजी है, तो उसे फिर किसी और दिन जाके करवा लेंगे। एंड ये स्विफ्ट देखो क्या मॉड भाई, मिनी कूपर है। ओ भाई, मुझे लगा स्विफ्ट है यार, मिनी कूपर। अच्छा, इसके साथ ना रेस लगाएंगे आज। लो भाई, बंदे ने खींच ली बाइक गाड़ी, हो जाए देखते हैं। सुपर कार वर्सेस नॉर्मल बाइक, वेट करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, तो वो गाड़ी अब निकल नहीं पाएगी, पर जब तक आती है ना तब तक देखते हैं। अबे यार, वो तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए,
अबे भाई आगे पोर्शे भी जा रही है, मैन आगे पोर्शे जा रही है। मुझे लग रहा है इनका ग्रुप है, ये कहीं पे जा रहे हैं राइड वगैरह पे। ये देखो ब्लू कलर की पोर्शे। ओ माय गॉड यार, व्हाट ए मशीन यार, क्या गाड़ी है यार, सुपर कार, चार चार एग्जॉस्ट। ओ माय गॉड क्या गाड़ी है यार। मिनी कूपर से मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा कि जैसे कि ना कोई वो जा रही है स्विफ्ट डिज़ायर जा रही है, नॉर्मल स्विफ्ट जा रही है, और बंदे ने उसका जो रूफ है वो रेड करवा रखा है। लेकिन नहीं भाई, जब मैंने पास से देखा ना मैं हैरान हो गया। और ये देखो यार इसका टायर कितना ज़्यादा ब्रॉड है यार, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतनी पास से। मैन ओ फक, पत्थर निकल के बज्जा सीधा मेरी हेलमेट पे। कसम से अगर हेलमेट नहीं ना होती तो आँख में गिरता एकदम से। खींचते खींचते आज आज सुपर कास्ट का दिन निकलेगा भाई भाई आपका। क्या बात है, मेरी ये भी फेवरेट एंड है। और लेकिन वो देख रहा हूँ ये मेरे को पसंद ही नहीं आ रही। जल्दी जल्दी मेरी बहन मिनी कूपर को भी पकड़ना है, पोर्शे को भी पकड़ना है, ठीक है। तो उनसे कब नहीं है मेरी जान बात, उनको दिखाते हैं ठीक है। उनके पास सुपर कार था तो क्या हो गया भाई, हम किसी से कम है। तो ये ना यहाँ पे आगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है तो वहाँ पे शायद मेरे को वो दोनों गाड़ियाँ मिल जाए, क्योंकि ट्रैफिक में ना कार निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अब अपनी वैनम है वो तो आराम से निकल जाएगी। अरे भाई आज तो ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, क्या किस्मत है। हट बट कोई ना यार, हमारे पास थोड़ा टाइम है क्योंकि आगे जाके मैंने अपने बाइक में फ्यूलिंग करवानी है। तो उससे पहले पहले अगर हम पकड़ पाए ना सुपर कार को तो हम ज़रूर पकड़ेंगे। चलो चलो चलो। अरे भाई भाई आराम से, उन सुपर कार के चक्कर में ना मेरी बाइक का कबाड़ा ना हो जाए भाई फ्रंट वाले सस्पेंशन का। हाँ आराम से आराम से आराम भाई, मिल नहीं रही। हाँ ये रही मिनी कूपर तो ये रही, बट पोर्शे गायब है भाई। मतलब क्या ऐसे कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है लेकिन पावरफुल है भाई, लेकिन कॉम्पैक्ट है, छोटी सी कार है। ऐसा लगता है कि जैसे होती ना छोटे थे हम खिलौने चलाते थे, पीछे करो आगे जाएगी, कुछ वैसी कार है। बट मैन खतरनाक गाड़ी है यार। क्या बात है यार, मुझे लगा कोई लड़का वगैरह चला रहा होगा, लेकिन अंकल है, अंकल ने खींच ली, अंकल ने गाड़ी खींची हमारे आगे। अच्छा भी चलो खींचो, देरे क्यों कर रहे हो यार, खड्डे आ रहे तो क्या हो गया। सुपर कार रखी है भाई आपने, ब्रेक नहीं लगाते इसमें भाई। यहाँ पे क्या सीन हो गया, ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा हो गया एकदम से। मेरे को यहाँ पे फ्यूलिंग भी करवानी है तो जाते जाते हम बाय बाय कर देंगे इन सुपर कार्स को। भाई कोई सीन तो नहीं हो गया, पोर्शे कहाँ गई भाई, वो तो काफ़ी तेज़ आ रहे थे, वो नहीं मिल रही मेरे को। तेल सोच रहा हूँ रहना देता हूँ, है अभी नेक्स्ट टाइम डलवाएंगे। अच्छा रेस ही कर लेते हैं आज मिनी कूपर एंड पोर्शे के साथ। मिनी कूपर के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, नाउ इट्स टाइम विद पोर्शे पोर्शे पोर्शे। चलो पोर्शे का पकड़ते हैं ठीक है। ये ब्रेजर रुझो साइड हटो यार, अरे भाई ये फिर रॉन्ग वे। जल्दी 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 मेरा स्टॉप आने वाला है भाई, तब तक वो गाड़ी निकल जाएगी। वो जा रही वो जा रही वो जा रही वो जा रही, कमान कमान कमान। भाई मैंने जो HP 4 वाला स्टीकर लगवाया ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है आंटी जी। यार गाड़ी निकलवा दी मेरी आंटी ने, हट। अभी थोड़े टाइम में मेरा स्टॉप आ जाएगा, तो उससे पहले मेरे को एक बार आपको दिखानी है हमारी पोर्शे। चल 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 मेरी बहन, कह रहे कि कुछ नहीं है वो, तू एक सुपर बाइक से भी ऊपर है मेरे लिए। ओए होए होए क्या LEDs है यार, रुक गए क्या। हाँ ये रुक गए ये देखो
नाइस कार। इनके अंदर ना लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, अगर अकेले होते तो शायद मैं रुक के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लेता, बट यहीं पर रुक गए वो। काफ़ी प्यारी गाड़ी है यार, एक्सपेंसिव तो है ही है। चलो ठीक है यार, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।